तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग के मोबाइल के एक ऐप के बारे में, जो कि सैमसंग के मोबाइल में हर मोबाइल में आपको इंस्टॉल में मिल जाएगी या फिर आपको अपडेट करने पे ये मिल जाएगी, जिस ऐप का नाम है सैमसंग फ्री। सैमसंग फ्री ऐप के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, ये ऐप क्या है और इसका एक्चुअल में यूज़ होता क्या और आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐप एक डेली न्यूज़ की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप वॉच भी कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट में भी सैमसंग फ्री के लेटेस्ट अपडेट में उसमें वॉच करने को भी आ गया। अब वहाँ पर आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं या बोल सकते हैं कोई चैनल भी वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर कोई आर्टिकल्स भी या न्यूज़ भी आप वॉच कर सकते हैं, और जो भी आप ट्रेंडिंग माना स्पोर्ट्स के फ़ैन या टेक्निकल्स या जो भी आप चीज़ के फ़ैन हैं वो आप वहाँ पर इनेबल करके उस कैटेगराइज को चूज़ करके वहाँ पर आप नए नए अपडेट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी फॉर्म में एक नेविगेशन के थ्रू आप उसको बहुत जल्दी इसको यूज़ कर पाएंगे और वहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कैसे आप उसको इनेबल करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे और एक्चुअल में कहाँ आपको मिलने वाला है, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग फ्री ऐप के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च कर लेना है सैमसंग फ्री, आपको दिख रहा होगा यह सैमसंग फ्री, आपको ऊपर सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। इस ऐप को आपको डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को आपको इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको यहां से पहले डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दूं। आपको डाउनलोड या इंस्टॉल या अपडेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपको ये दिख रहा होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, बाहर बैक आ जाएंगे, इसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, या तो आपको अपना जो होम विंडो या होम सेटिंग को आपको यहाँ से यूँ करना होगा। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, सबसे फर्स्ट पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होगा, आपको इसको कर लेना है इनेबल। जैसे ही इनेबल करेंगे आप यहाँ खोलेंगे, ये ऐप आपकी खुल जाएगी। आपको इसको एक्टिवेट इनेबल करने के बाद आपको यूज़ करने के लिए आप बस आपको स्वाइप यहाँ करेंगे तो ऐप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे आपको तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं नीचे की तरफ। पहले ये दो आते थे, अब लेटेस्ट अपडेट में आपको तीन कर दिए गए हैं, वॉच, रीड और प्ले। पहले यहाँ पर आपको रीड और प्ले का ऑप्शन आता था, बट अब यहाँ पर आपको वॉच का भी ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले अगर वॉच पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, न्यूज़ चैनल, लोकल म्यूजिक चैनल, ये बहुत सारे आप चैनल यहाँ पर फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जो कि सैमसंग के यूज़र को बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कस्टमाइज़ भी कर पाएंगे आगे चैनल को, वो भी बताऊंगा कैसे आप चैनल कस्टमाइज़ भी कर पाएंगे। आपको यहाँ सारे चैनल मिल जाएंगे, जो चैनल आपको प्ले करना है सिंपली आपको उस चैनल पर क्लिक कर लेना है और वो प्ले हो जाएंगे। मैं प्ले नहीं कर सकता, आपको बताओ कॉपीराइट की इशू वैसे, बट आप सिंपली उस पर प्ले करेंगे और ये वहाँ पर प्ले होना चालू हो जाएंगे। आपको बहुत सारे यहाँ पर चैनल्स मिल जाएंगे, आप सारे चैनल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल गेमिंग चैनल, लाइफस्टाइल, मूवी, और इस सारे चैनल को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सब चैनल के आपको लिस्ट मिल जाएगी और उनके दिख जाएंगे क्या क्या चल रहा है। उसके बगल में यहाँ पर आप देखेंगे रीड में, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी, क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है आप देख रहे होंगे, लीस्ट न्यूज़, डेली न्यूज़ यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, रीड डेली न्यूज़ हट्स। उसके नीचे आपको कैटेगरीज वाइज मिल जाएंगी, लाइक इंडिया स्पोर्ट्स, इंडिया की न्यूज़ चाहिए तो आप इंडिया पे क्लिक कर लेंगे। तो इसके नीचे आप आएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक आपको इंडिया की न्यूज़ देखनी है तो आप इंडिया पे क्लिक कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की देखनी है तो स्पोर्ट्स पे कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट देखनी है तो इंटरटेनमेंट देख सकते हैं, टेक्निकली देखनी है तो टेक्निकल कर सकते हैं, और भी आप नीचे इसको कस्टमाइज़ करके देख पाएंगे सारी न्यूज़। उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ प्ले पे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्ले पे इंस्टेंट प्ले गेम कर सकते हैं, आपको कोई भी गेम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कोई से भी गेम पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आप अपना गेम प्ले करके उसको खेल पाएंगे। लाइक आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सीधा वो गेम उस पर ले जाएगा, गेमर पे, गेम लॉन्चर पे ले जाएगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो डायरेक्ट वहाँ पर आपको ले जाके यूज़ करने के लिए बता देगा। यहाँ पर रीड हो गया, वॉच हो गया, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ थ्री डॉट्स में। थ्री डॉट्स में यहाँ पर सबसे पहले अगर आप नोटिस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीन महीने में एक नया नोटिस आया है, द ओपनिंग ऑफ वास्ट ऐप, मैंने जैसा कि बताया तो वास्ट ऐप है, उसको नया अभी लॉन्च किया गया है, नए अपडेट में आपको मिलने वाला है, जो कि 3 तारीख को ही अपडेट किया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, वी ओपन वास्ट ऐप बिसाइड रीड प्ले टैब ऑफ सैमसंग फ्री, यूजर कैन वॉच द प्रीमियम टीवी कंटेंट फॉर विदाउट सब्सक्रिप्शन। मतलब सैमसंग यूजर इसको विदाउट सब्सक्रिप्शन के फ्री में देख सकते हैं सारे प्रीमियम चैनल। यूजर ओल्डर देन 13 कैन एंजॉय वेरियस कंटेंट फ्रॉम द वास्ट टैब फिल्ड बाय अबाउट 30 चैनल्स आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर सब सब लिखा हुआ है, एंजॉय योर फीचर लाइक स्ट्रीमिंग प्लेयर, ईपीजी चैनल्स, प्रोग्राम डिटेल्स, फेवरेट चैनल्स एंड रिसेंटली व्यू चैनल इन वास्ट टैब।
ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों। अब इसको आपको कस्टमाइज़ करने के लिए, सबको चैनल को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स में, थ्री डॉट्स में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको सैमसंग अकाउंट की अपनी आईडी दिख जाएगी। यहाँ पर अगर आप वाईफाई पे ही प्ले करना चाहते हैं वीडियो, जैसे मैंने सेट कर रखा है कि जब भी मेरे पास वाईफाई कनेक्ट होगा तो ही ऑटो मेरी वीडियोस प्ले हो, नहीं तो नहीं हो, इसलिए वीडियो आप यहाँ पर हटा सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल डेटा से उसको यूज़ करना चाहते हैं। उसके नीचे आप आएंगे, आप मैनेज चैनल का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप टू न्यूज़ चैनल पर जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो चैनल्स दिख रहे हैं। आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि ये दोनों ना चैनल दिखे और भी चैनल अलग से दिखे। तो आप यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज चाहिए, कैटेगरीज दी गई हैं, आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिट फेवरेट चैनल्स में वो भी कर सकते हैं। वॉच रिमाइंडर, आप रिमाइंडर सेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऑटो प्ले वीडियो जो कि मैंने बताया, पॉपअप में अगर आप चाहते हैं, लाइक अगर आपने पॉपअप में टिक कर दिया, अगर आप कोई न्यूज़ या कोई भी अगर वीडियोज़ देख रहे हैं वॉच में जाके, तो अगर आप बैक आ जाते हैं मतलब बाहर आ जाते हैं तो वो पॉपअप में चालू हो जाएगा, आपका मिस भी नहीं होगा और आप बाहर भी आ जाएंगे, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके नीचे दिया है रीड के लिए कैटेगरी, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी कैटेगरी चाहते हैं, लाइक टेक्निकल्स मुझे स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लाइफ स्टाइल बिजनेस चाहिए, वर्ल्ड चाहिए, वर्ल्ड नहीं चाहिए, ट्रैवल नहीं चाहिए, एजुकेशन एंड, ये सब चीज़ें हट गई हैं और नीचे सब आ गई हैं। आपको जो चीज़ चाहिए उसके बाद उसको डन कर दीजिएगा, ये डन हो जाएगा। उसके नीचे प्ले में जाएंगे, जो कि मैंने बताया आपको ऑटो प्ले गेम दिया गया, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट खेल सकते हैं। और नीचे अबाउट्स दिया गया है और सैमसंग के लीव के बारे में दिया गया है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियोस मैंने प्ले बंद कर रखी हैं, बाकी आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जब मैं प्ले करने जा रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि आपने वहाँ पर उसको सेट करके रखा है वाईफाई ओनली में, आपको दिख रहा होगा। जब मैं वाईफाई ओनली से हटा दूंगा तो वो यूज़ होना चालू हो जाएगा, तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। मैं एक तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।